आंध्र प्रदेश इज ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया गोपालगंज नोनीटली इज अंडर डेवलपिंग एरिया गोपालगंज इज अंडर डेवलपिंग एरिया आई रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ गोपालगंज एंड द होल पॉपुलेशन ऑफ बिहार दैट काइंडली फ्रॉम योर पार्ट पुट दिस थिंग्स इन योर पार्टी एजेंडा टू बिल्ड गोपालगंज बेटर माय ऑब्जर्वेशन टोटल रिपोर्ट सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि जिस दिन आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाएगा उस दिन इस देश में आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आज बिल्कुल विकास चरम पर है और भारत दुनिया में डंका बजा रहा है और निश्चित रूप से भारत विकसित होगा और मोदी जी का नेतृत्व भी रहेगा लोगों का प्रेम मोदी जी के प्रति है और सारी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं थोड़ा लोगों को नहीं मिला है उनको भी दिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा किया जाए नमस्कार डी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप अभी हम उचका गांव ब्लॉक के श्यामपुर नोनिया टोला गांव में हैं और हमारे साथ भाजपा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के कार्यक्रमों को लेकर के भाजपा के बातों को लेकर के जनता के बीच में हैं आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या कुछ मकसद है इस कार्यक्रम के पीछे सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आंध्र प्रदेश की भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला किशोर जी से मैडम बहुत स्वागत है आपका बिहार में क्या कार्यक्रम है ओके मस्ट वेलकम टू बिहार व्हाट इज द फंक्शन व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन ओवर हियर एंड व्हाट आर देयर एम ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इज बिहार इज अच्छी प्लेस हार्ट टचिंग पीपल इज हियर हाउ टू इम्प्लीमेंट मोदी जी प्रोग्राम्स जनधन योजना जस्ट लाइक जनधन मातृवंदना योजना सुकन्या समृद्धि योजना उज्ज्वला योजना अलग अलग योजना हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्लेस गोपालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस यू सी इन आंध्र प्रदेश एंड बिहार इन लोकल प्लेसेस लाइक नोनिया टोला एंड सम अदर रूरल प्लेसेस ओवर देयर इन आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश इज ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया गोपालगंज नोनिया टोला इज अंडर डेवलपिंग एरिया गोपालगंज इज अंडर डेवलपिंग एरिया आई रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ गोपालगंज एंड द होल पॉपुलेशन ऑफ बिहार दैट काइंडली फ्रॉम योर पार्ट पुट दिस थिंग्स इन योर पार्टी एजेंडा टू बिल्ड गोपालगंज बेटर माय ऑब्जर्वेशन टोटल रिपोर्ट सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी थैंक यू मैडम हमारे साथ दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्य समिति की जो सदस्य हैं जो हिमाचल प्रदेश से चल के आई हैं श्रीमती सूद हैं हमारे साथ मैडम बहुत स्वागत है आपका बिहार धन्यवाद जी मैडम क्या उद्देश्य है जैसा मैडम ने बताया उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने का तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है हमारे जो ये उद्देश्य जो जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं मंत्री प्रधानमंत्री जी की योजना से तो ऐसे कि जो इतनी योजनाएं आती हैं हमारे कोई कितने 27-28 हैं योजनाएं तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक हमें पहुंचानी है जैसे जनधन योजना हो गई आयुष्मान कार्ड है हिम केयर कार्ड है उज्ज्वला योजना है मातृशक्ति वो योजना है कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम घर यहाँ पे जो हमने नुक्कड़ सभाएं की हैं या जहाँ जहाँ पे हम गए बहुत अच्छा लगा है लोगों में उत्सुकता है इस चीज़ को जानने के लिए कि कौन कौन सी योजनाएं हैं लोगों को लाभ भी मिला है और अभी कई लोग इस चीज़ से वंचित भी हैं तो हम ये घर घर जाके ये संदेश देना चाहते हैं कि इस चीज़ का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और मोदी जी का 2024 में भी आने वाले इलेक्शन में उनको ही वोट किया जाए तो जब उनको फायदा होगा तो वो करेंगे ऑब्वियसली मैडम एज वुमेन आप एक महिला हैं और हमारी देश की जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला हैं आदिवासी समाज से आती हैं और उनके ऊपर जो आजकल इतना आक्षेप लग रहा है या इतनी सारी बातें चल रही हैं उसको लेकर के आपका क्या सोचना है कि राष्ट्रपति शब्द को हटा करके राष्ट्रपत्नी का प्रयोग करना इन सारी चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं जो ओपोजिशन वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे सही को सही तो कभी कहेंगे नहीं जो मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचा यही सरकार है मोदी जी ही ऐसे हैं जो महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं यही लोगों को लोग बोलते रहेंगे उनका तो काम है पर हमारे मंत्री प्रधानमंत्री जी तो कभी ऐसा नहीं बोलते ना ही हम लोग सोचते हैं जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपत्नी नहीं बन सकती ये तो लोगों का अपशब्द बोलना इस चीज़ के लिए तो हम उनका विरोध करते हैं हमारे साथ अनूप जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य हैं और छपरा के प्रभारी भी हैं सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को मिली हैं अगर नहीं मिली हैं तो उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखिए मोदी जी का शासन के 8 साल हुए हैं जी
और 8 साल में हम लोग गांव-गांव कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो योजनाएं हैं मोदी जी की गरीब कल्याण की, वो सारे धरातल पर उतरे हैं। अभी बहुत लोग बाकी हैं जिनको बहुत सारी योजनाएं नहीं मिली हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और एक एक व्यक्ति को जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो योजनाएँ आई हैं लोगों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, वो सबको हम लोग इम्प्लीमेंट कराने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी के शासन में ना कोई भेद होगा ना कोई भाव होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके सहयोग से ये भारत का विकास होगा। और आज मोदी जी पूरे विश्व में भारत का परचम लहराए हुए हैं, डंका बज रहा है। आज महिला राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी समाज से, गरीब दलित परिवार से निकल करके संथाल महिला को मोदी जी ने राष्ट्रपति बना दिया, और आज पूरा देश गौरवान्वित है, और विशेषकर महिलाओं में मोदी जी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ी है, और देश निश्चित रूप से अब आगे निकल पड़ा है। मोदी और है तो मुमकिन है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि जिस दिन आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाएगा, उस दिन इस देश में आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज बिल्कुल विकास चरम पर है और भारत दुनिया में डंका बजा रहा है, और निश्चित रूप से भारत विकसित होगा और मोदी जी का नेतृत्व भी रहेगा। लोगों का प्रेम मोदी जी के प्रति है और सारी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। थोड़ा लोगों को नहीं मिला है, उनको भी दिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा किया जाए। काफ़ी योजनाएं हैं जो आम जनमानस तक नहीं पहुंची हैं, उसको भी घर घर तक पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा यहाँ के नेताओं का मानना है। आप देखते रहिए डी पीपल वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।